सब्सक्राइब कीजिए देसी इंडियन फूड को एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक की पूरी। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया है पालक, और यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच मैदा, 1 बड़े साइज का प्याज, नमक, अजवाइन, और यहाँ पे हमने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो सबसे पहले हम पालक को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। ले लिया है एक कढ़ाई और इसमें हमने डाला है 2 ग्लास पानी, और अभी इसमें हम डाल देंगे पालक और इसे हम ढककर लगभग 3-4 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि पालक जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। हो चुके हैं और अभी हम ढक्कन हटा लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पालक जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देख सकते हो कि हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए रख देंगे। देख सकते हो कि अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ले लिया है एक मिक्सिंग जार और अभी इसमें हम डाल देंगे पालक। ये हमने फ्रेश धनिया लिया है और अभी इसमें हम डालेंगे प्याज। मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हो कि हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है गेहूं का आटा, अभी इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, नमक, लिया है अजवाइन और इसे हम हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, और अभी इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें हम डालेंगे पालक का पेस्ट जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किया है, और इसे हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और टाइट डो जो है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है और डो तैयार कर लिया है। ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। हमने ले लिया है एक कढ़ाई और इसमें हमने डाला है तेल। ये हमने यूज किया हुआ ही तेल लिया है। मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, तो हम पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके हमें बॉल्स बना लेने हैं। इसी तरह आपको सारे बॉल्स बना लेने हैं। सूखा आटा और इसे हमें हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। बेल लेंगे। हो चुका है, तो हम थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते हैं, और ये फूलकर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे पूड़ी। फूल जाएगा तो इसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे। ये अच्छी तरह से फूल चुका है, तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमें सब पूरी इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेना है। पूरी जो है हमें फ्राई कर लेने हैं। हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे, जब ये फूल जाएगा तो इसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे। अच्छी तरह से फूल चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी पालक की जो पूरी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।